शुरुआत सिद्धार्थ श्रीवास्तव जी, मैं आपसे करना चाहूंगा। दो ब्रांड हैं उत्तर प्रदेश में, एक तरफ अखिलेश को ब्रांड बताया जा रहा है, दूसरी तरफ आपकी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी उन्हें एक ब्रांड बताया जा रहा है, किसका दम ज्यादा नजर आ रहा है? देखिए अच्छा जी, ब्रांड का कोई मतलब नहीं है और राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव में कोई तुलना नहीं की जा सकती। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह और अखिलेश यादव की सरकार एक लंबे समय से चल रही है, 4.5 साल का समय भी हो गया, पीछे भी कार्यकाल मुलायम सिंह यादव जी के रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का भी कार्यकाल रहा है और बहुजन समाज पार्टी का भी कार्यकाल रहा है। हम तो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में 27 साल यूपी बहाल क्यों है उस पर हम जनता के साथ सवाल जवाब कर रहे हैं और जिस तरह से जनता जवाब दे रही है, राहुल गांधी का वेलकम कर रही है, राहुल गांधी के सभाओं में भीड़ हो रही है, रोड शो पे सड़कों पे लोग निकल रहे हैं, उससे ये सीधे सीधे जाता है कि उत्तर प्रदेश की जनता इन जातिवादी और धार्मिक समाज सोच के लोगों से, जिसके यहाँ भ्रष्टाचार, जातिवाद, कानून व्यवस्था का कहीं दूर दूर तक वारा न्यारा नहीं, किसान पूरी तरह से प्रभावित है उसमें, व्यापारी, टीचर, विद्यार्थी, मजदूर सब लहू लुहान है। इसलिए जब राहुल गांधी ने ये आवाज उठाई और राज बब्बर जी और शीला दीक्षित जी के नेतृत्व में उसके पहले से कार्यक्रम चल रहे हैं जो लोगों के बीच में जाने का, वह भी दर्शा रहा है कि आपने एक अंतर की बात कही। सिद्धार्थ बदलाव करने जा रही है। आपने ये कहा कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी की तुलना किया जाना ठीक नहीं है, क्या अंतर देखते हैं आप? उत्तर प्रदेश का सूबा अखिलेश यादव जी, उत्तर प्रदेश का सूबा, जबकि मुलायम सिंह यादव, शिवपाल सिंह यादव, राम गोपाल यादव और तमाम जो किनारे से बैठे हुए लोग हैं वह लोग ताकत दिए थे, सत्ता पूरी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की मिली थी, उस पर युवा नेता ये थे, लग रहा था उत्तर प्रदेश में एक बदलाव लाएंगे, अपनी सोच की उत्तर प्रदेश को बनाएंगे, लेकिन ये मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी के डीएनए से ऊपर नहीं उठ पाए, तमाम छटपटाहट इनकी यह साबित कर दी कि ये जो है बौने साबित हो गए हैं मुलायम सिंह यादव, शिवपाल सिंह यादव के, इनके अंदर कोई जज्बा भी यदि दिखाई दिया, लगा कि जैसे उत्तर प्रदेश की जनता ने सोचा कि ये नौजवान है, कोई अंगड़ाई लेंगे, कोई रास्ता बनाएंगे, लेकिन इन्होंने पूरी तरह से अभी 10 दिन की जो लड़ाई चल रही थी, जो आगे भी चल रही है, उसमें इन्होंने सरेंडर कर दिया। तो जो इनसे आशा थी उत्तर प्रदेश के लोगों को और जो लोग सोच रहे थे कि मुलायम सिंह और शिवपाल से दबे हुए हैं इसलिए अपना काम नहीं कर पा रहे हैं और एक रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये अंतर आपको लगता है कि इन दोनों नेताओं के बीच है, चाहे वो अखिलेश यादव हो या राहुल गांधी, अगर उनका मुकाबला किया जाए तो ये अंतर आपको नजर आता है? हरि नारायण जी, राहुल गांधी देश के नेता हैं, ठीक है, राहुल गांधी देश के नेता हैं और अभी आपने अभी अच्छा जी जो आपने अभी दिखाया कि कांग्रेस 44 सीटों पे आई, आप देखिए ना मोदी जी किस आधार पे आए थे, मोदी जी उत्तर प्रदेश में 71+2 73 सीटें जीते और कैसे वो देश में जीते और क्या क्या कहके आए थे, क्या कोई चीजें आप खुद ही बताइए। नहीं तो अब हथियार सिद्धार्थ श्रीवास्तव जी क्या होगा राहुल गांधी के पास, क्या वो बातें होंगी उत्तर प्रदेश की जनता के सामने रखने की जिस पर जनता यकीन करे? 2012 का रिजल्ट याद है ना आपको, राहुल गांधी की देखरेख में चुनाव लड़ा गया अच्छा था, 28 सीटें, लोकसभा के चुनाव में प्रमुख चेहरा थे राहुल गांधी, अघोषित प्रधानमंत्री तक कहा गया कांग्रेस की तरफ से, नतीजा 44 सीटें। तो फिर इस बार ऐसा कौन सा चमत्कार की उम्मीद आप लोग कर रहे हैं कि राहुल गांधी आएंगे और यूपी में चमत्कार हो जाएगा? मैं अच्छा जी वही बात, अब मैं आपको आपके सवाल से पहले उसी पे ले जाना चाह रहा था कि आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में 2012 के चुनाव हुए और 2012 के चुनाव में किस तरह से बेरोजगारी और लैपटॉप और दूसरे तरह के रास्ते दिखाए गए, नौजवानों को जो है लुभाया गया और नौजवान ने सोचा कि अखिलेश यादव से एक रास्ता बनेगा, अखिलेश यादव के नेतृत्व में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी दे दिया, चूंकि बहुजन समाजवादी पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त थी, सीएमओ मारे जा रहे थे, लगा लोगों को कि उत्तर प्रदेश का चुनाव है और अखिलेश यादव एक युवा है, इसको देख एक अवसर दिया जाए,
वही स्थिति 2014 में मोदी जी के साथ हुई। मोदी जी के साथ जिस तरह से गोधरा चस्पा था, अब 15 लाख रुपए लोग दे रहे थे कि काला धन लाएंगे, और आज सब चीजें समाप्त हो गई। हमारे राहुल गांधी उन मुद्दों पर नहीं जाते हैं, सुन लीजिए, हम सिर्फ ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक मिनट और ले लीजिए, एक मिनट और मुझे दे दीजिए। राहुल गांधी जी सिर्फ कांग्रेस के उपाध्यक्ष थे, लेकिन उन्होंने मनरेगा के साथ खाद्य सुरक्षा बिल, RTI, RTE, मतलब देश के अंदर जिससे बुनियादी रूप से नौजवान किसान मजदूर खड़ा हो सकता है, देश खड़ा हो सकता है, समृद्धशाली हो सकता है, आज ये कांग्रेस उपाध्यक्ष उन्होंने बखूबी मनमोहन सिंह जी से काम कराया। और आपको याद होगा कि जब समय आया तो उन्होंने मनमोहन सिंह से बात करके उसे पूरा कराया। आप उस पर भी डिबेट करिए, तब आपको तुलना आएगा कि मोदी अखिलेश और राहुल गांधी में, राहुल गांधी नहीं, हम तुलना अखिलेश यादव और राहुल गांधी की कर रहे हैं। आप जब कह रहे हैं कि राहुल गांधी राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं और अखिलेश यादव प्रदेश स्तर के नेता हैं, लेकिन हम यहाँ विधानसभा चुनाव 2017 को लेकर जिक्र कर रहे हैं उत्तर प्रदेश का। हरिनारायण राजभर जी, जो बातें ठीक है, आऊंगा। अच्छा जी, क्या भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी? क्या बहुजन समाजवादी पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी? नहीं, ठीक है, लड़ेगी, ठीक है, लड़ेगी। तो आप सिर्फ दो परिप्रेक्ष्य में ब्रांड ना तय करिए, सबको समाहित करके। हम ये ब्रांड तय नहीं कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की जनता ये जानना चाहती है कि अखिलेश यादव खुद को युवा मुख्यमंत्री कहते हैं, युवा नेता हैं, उम्र भले ही 43 साल हो, राहुल गांधी उनसे भी ज्यादा युवा नेता हैं, भले ही उनकी 47 साल की उम्र हो। ठीक है, आऊंगा, पूरा मौका आपको दिया जाएगा।